हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अबीर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास दो ऐसे लोगों के कमेंट्स आए कि मैंने सोचा कि उसके ऊपर उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए, बट उनको रिप्लाई करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। वीडियो बना के आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किया जाए कि जो न्यूज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे पता चलती है, जो मैं मॉर्निंग एनालिसिस में शेयर करता हूँ, जिसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ, वो न्यूज़ मुझे कहाँ से पता चलती है, वो लिंक्स कहाँ से मिलती हैं। पहली बात तो ये कि तमाम ब्रोकरेज फर्म्स जो मॉर्निंग एनालिसिस देती हैं, मॉर्निंग न्यूज़ अपने क्लाइंट्स को भेजती हैं। अगर आपकी ब्रोकरेज फर्म ये एनालिसिस नहीं भेजती, जिस तरह आप यहाँ मॉर्निंग न्यूज़ का देख सकते हैं तस्वीर, जिस तरह मेरी फर्म है या जिन फर्म से मॉर्निंग न्यूज़ इस तरह आती है वो अपने क्लाइंट्स को भेजती हैं, अगर आपकी ब्रोकरेज फर्म नहीं भेजती, यू नीड टू कॉन्टैक्ट योर ब्रोकरेज फर्म। आप अपने ब्रोकरेज फर्म से कॉन्टैक्ट करें, उनसे पूछें कि वो मॉर्निंग न्यूज़ क्यों नहीं भेजते मार्केट ओपन होने से पहले। दूसरी बात ये कि मेरे जो भाई हैं मोहम्मद नबीद साहब, इन्होंने भी पूछा कि वेबसाइट कौन सी है, कहाँ कहाँ से आपको न्यूज़ मिलती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा एक ऐसी ट्रिक, ऐसी टिप, बहुत सिंपल है। ट्विटर अगर आप लोग यूज़ करते नहीं करते तो ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाइए, और मैं आपको इस वीडियो में उन तमाम ट्विटर हैंडल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा जिनको आपने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप PSX में इन्वेस्टर्स हैं तो आपने लाजमी उनको फॉलो करना है, उनकी ट्वीट्स की नोटिफिकेशन ऑन करनी है। इसके साथ साथ मेरी एक और बहना है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, उनका भी कमेंट आया था कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि उन्होंने कहा कि पहले कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, और जब शेयर डूब जाता है, कंपनी डूब जाती है, तो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो मैंने अपनी बहनों को ये चीज़ रिप्लाई किया है कमेंट सेक्शन में भी कि देखें ये सारी न्यूज़ PSX की वेबसाइट्स पे डेली बेसिस पे, जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि मैं डिस्कशन करता हूँ मटेरियल इन्फॉर्मेशन पे, और ये वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, PSX की वेबसाइट है। अनाउंसमेंट्स पे जाएं, अनाउंसमेंट DPS लिखें, आपको PSX की वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे तमाम जो है PDF फाइल्स डेली बेसिस पे कंपनी कोई भी अनाउंसमेंट करती है, उसकी PDF फाइल यहाँ पे अवेलेबल होती है। उसको खोलें, खोलने के बाद आप उसको फाइल को देख सकते हैं, उनकी कंपनी की अनाउंसमेंट पढ़ सकते हैं, और उस अनाउंसमेंट का जो इम्पैक्ट होता है उसके शेयर प्राइस पर होता है। अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, और मैं आपको उन तमाम ट्विटर हैंडल्स के बारे में बताऊंगा जिनको एज एन इन्वेस्टर आपको लाजमी फॉलो करना चाहिए ऑन ट्विटर। और सिर्फ ट्विटर पे अगर आप उनको फॉलो करेंगे, इन तमाम जो अच्छी अच्छी वेबसाइट हैं, मेटेस हो गया, ट्रिब्यून हो गया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इन तमाम को जब आप ट्विटर पे फॉलो करेंगे, इनकी नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, तो जैसे ही इनकी नोटिफिकेशन आएंगी आप उस लिंक को खोल के इनकी जो है इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक। तो जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से ट्विटर हैंडल्स हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं या इंस्टीट्यूशन हैं जिनको आपको फॉलो करना है ट्विटर पे। और ट्विटर इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बिकॉज ट्विटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनीज़ अपनी जो ट्वीट्स वगैरह करती हैं तो हमें फॉर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और इनके पास इनके लिंक्स भी जो हैं वो अपने ट्वीट्स में मैंशन करती है। आपने कुछ नहीं करना, उस लिंक को ओपन करना है, ओपन करने के बाद जो भी न्यूज़ होगी रिलेटेड टू दी पब्लिक लिस्टेड कंपनी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपने करना ये कि घबराना नहीं है, और सबसे पहले आपने अपने आपके जो भाई हैं आप उनको फॉलो करना है, मोहम्मद अबीर, आप मुझे फॉलो करें ट्विटर पे, ताकि ये कि जो भी ट्वीट्स वगैरह मैं करता हूँ या चीज़ें शेयर करता हूँ तो आपको फर्स्ट हैंड मिल जाए। इसके बाद अगेन बीइंग एन इन्वेस्टर इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहला अकाउंट जो आपने फॉलो करना है मेरे अकाउंट के बाद वो है PSX का अपना ओरिजिनल ऑफिशियल अकाउंट, और उसको जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं फॉलो कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप नोट करें होंगे कि नोटिफाई की घंटी अभी नहीं बजी, तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि आपको तो मैं बता रहा हूँ कि सबको फॉलो करना है, और मैंने ही इसकी नोटिफिकेशन घंटी ऑन नहीं की हुई, तो मैंने ये ऑफ़ की थी बताने के लिए कि आपने इसके फॉलो करने के बाद नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको एक्टिव करना है, विच मीन्स कि जब भी ये कोई ना कोई ट्वीट करेंगे आपको फर्स्ट हैंड जो है वो मोबाइल पर, अगर आप एक्टिव हैं मोबाइल पर, अगर आप ट्विटर लॉग इन करते हैं तो मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, ट्वीट खोलनी है, ट्वीट खोलने के बाद यहाँ पे इनके कॉलम्स की लिस्ट मौजूद होती है, आप उसको क्लिक करेंगे, इनकी वेबसाइट पे जो जो इन्होंने शेयर किया होगा वो वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, और फर्स्ट हैंड आपको एक फॉरन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसके अंदर जो भी डिटेल्स हों आपने पढ़नी है। सो सबसे पहला अकाउंट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX के नाम से, आपने इसको फॉलो करना है ऑन ट्विटर। सेकेंड ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं हमारे इमरान खान, इनको आपने फॉलो करना है लाजमी, बिकॉज ये अपने टूर्स वगैरह करते रहते हैं या जो भी गवर्नमेंट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आते हैं, जो डिटेल्स आती हैं उनको ये प्रमोट करते हैं, और लाजमी है बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तानी हम अपने जो अपने ऑफिशियल मेम्बर्स हैं गवर्नमेंट के उनको लाजमी फॉलो करें गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट ट्विटर हैंडल की, तो वो है आरिफ हबीब, बिकॉज आरिफ हबीब AKD ये वो ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो कि रिसर्च के मामले में नंबर वन है, एंड आई थिंक कि आरिफ हबीब को फॉलो करना लाजमी है। अगेन फॉलो का बटन दबाएं, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको जो है जब भी ये ट्वीट करें फौरन आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मोबाइल पर हो, लैपटॉप पर हो, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है
डायरेक्ट उन कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का जो कि मार्केट में कोई ना कोई तेजी ला रही होती है। आप देख सकते हैं कि रिसर्च के मामले में आरिफ अबीब इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म इन PSX। इसके बाद फॉलो करना है आपने ट्विटर अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगेन फॉलो का बटन दबाना है, ट्विटर की नोटिफिकेशन बेल ही ऑन करनी है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर इसलिए हम फॉलो करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट लेवल पे डील्स वगैरह हो रही होती हैं, मैनेजमेंट हो रहे होते हैं, बिल पास हो रहे होते हैं, तो ये सारी न्यूज़ आ रही होती है जो कि एक इन्वेस्टर को जिन पर नज़र होना लाजमी है। सो ट्विटर पर जाएँ, सर्च करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, GOVT ऑफ पाकिस्तान, और ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल इनका फॉलो करें। मूविंग फॉरवर्ड, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगेन हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन की जो साइकिल है वो हमारे जो एक्सचेंज रेट है उस पर बहुत डिपेंड करती है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको भी फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, और डेली बेसिस पे जो भी क्लोजिंग आती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक्सचेंज रेट आज कहाँ पे क्लोज हुआ, डॉलर कितने डेप्रिशिएट किया, एप्रिशिएट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। इन केस मार्केट के हवाले से कोई चेंजेस अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाता है तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपके पास ऑन हैंड होनी चाहिए। तीसरे मूविंग फॉरवर्ड, अगर नेक्स्ट ट्विटर हैंडल की बात करें, सो दैट इज़ कैपिटल स्टेक। कैपिटल स्टेक की मैं बात क्यों करता हूँ, बिकॉज अगर हम PSX पे जाएं, PSX के जो भी डेटा, जितना डेटा है वो कैपिटल स्टेक अपने पास मॉनिटर करता है, सेव करता है, तो कैपिटल स्टेक को ज़रूर फॉलो करें। और कैपिटल स्टेक के रिसर्च पोर्टल, जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि मैं जो रिसर्च पोर्टल इस्तेमाल करता हूँ ये आपके सामने जो है, जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, ये बेसिकली कैपिटल स्टेक ने बनाया है, और कैपिटल स्टेक ये रिसर्च पोर्टल ने अवेलेबल किया है। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो इन इस रिसर्च पोर्टल की जो जो सॉफ्टवेयर है और जो इसकी एक तरीके से गोइंग फॉरवर्ड जो प्रोजेक्ट है इसको इन्होंने एक्वायर किया हुआ है, और ब्रोकरेज फर्म्स इन सॉफ्टवेयर को अलाउ करने के लिए इजाज़त देती हैं अपने क्लाइंट्स को, जो कि इन ब्रोकरेज फर्म्स के क्लाइंट्स होते हैं। तो कैपिटल स्टेक इज़ दी ट्विटर अकाउंट दैट यू ऑल मस्ट फॉलो गोइंग फॉरवर्ड। इसकी भी बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, डेली बेसिस पे कमोडिटी रेट्स वगैरह बताते रहते हैं, मार्केट के हवाले से समरी इनकी आती रहती है, तो ये भी लाजमी आपके पास फॉलो होना चाहिए। अगेन मूविंग फॉरवर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, हमें पता है एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे इशूज़ वगैरह और सारी डेवलपमेंट होती रहती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ये आपको लाजमी फॉलो करना चाहिए। इसके भी ट्विटर नोटिफिकेशन अपनी ऑन रखें, जो भी न्यूज़ आएगी फ़ौरन आपको मिल जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत में हमें पता है कि कमी पेशी और ऊपर नीचे चलता रहता है, तो ऑफिशियल अकाउंट ऑफ पेट्रोलियम डिवीजन ये भी आपने लाजमी फॉलो करना है, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी इशूज़ हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि ड्राई डॉकिंग का भी रिसेंटली इशू चल रहा है गैस का, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और ये मेन बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट हैं जिनको लाजमी फॉलो करना चाहिए एज अ पाकिस्तानी एंड PSX इन्वेस्टर। डेवलपिंग पाकिस्तान एक ऐसा ट्विटर है जिनको मैं लिंक्डइन पर भी फॉलो करता हूँ, जिनको मैं ट्विटर पर भी फॉलो करता हूँ, बिकॉज पाकिस्तान की इकोनॉमी में, मैनेजमेंट में कोई भी नई चीज़ आ रही होती है, ये उसको शेयर कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कंटेंट इनका होता है, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कंटेंट होता है सारा, तो इनको भी फॉलो करें, बिकॉज आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान लीडिंग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, और लेटेस्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट CPEC से रिलेटेड बाकी और जितनी भी अपडेट्स हैं वो इस ट्विटर अकाउंट पे आती रहती है, सो इट्स अ मस्ट फॉलो अकाउंट फॉर यू गाइस। NCOC, अभी हमें पता है कि जो हिसाब किताब कोविड से रिलेटेड चल रहे हैं, तो NCOC एक ट्विटर अकाउंट है जिसको फॉलो करना चाहिए, और डिटेल रोजाना के बेसिस पे वैक्सीन्स की और केसेस की सारी अपडेट्स ये देते रहते हैं। नाउ कमिंग टू दी वेबसाइट, जो वेबसाइट जिन वेबसाइट्स पे कॉलम्स आते हैं और जो ये पब्लिश करती हैं वेबसाइट्स कॉलम, उनको भी ट्विटर अकाउंट पे लाजमी फॉलो करें। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेटिस ग्लोबल है, ये बहुत पुरानी जो है वो कंपनी है, और गोइंग फॉरवर्ड ये भी अपने सारे ब्लॉग्स वगैरह कॉलम्स वगैरह निकालते रहते हैं, और ऑन हैंड आपने देखा है कि मुझे जो कॉलम्स की नोटिफिकेशन मिलती है वो यहीं से मिलती है, मैं कुछ नहीं करता, मैं इसको क्लिक करता हूँ, वेबसाइट पर जाता हूँ, वेबसाइट पर जाने के बाद जो भी डेटा आया हुआ होता है उसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सो मेटिस ग्लोबल इज़ द फर्स्ट फर्म दैट यू शुड फॉलो जो रिसर्च फर्म है गोइंग फॉरवर्ड। बिजनेस रिकॉर्डर बहुत पुराना नाम है इकोनॉमिक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, और इसको भी आप फॉलो करें, बिजनेस बी रिकॉर्डर न्यूज़ के नाम से ट्विटर हैंडल है इसका गोइंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड SEC पाकिस्तान, अगेन SEC जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान है, बींग एन इन्वेस्टर मार्केट में क्या हो रही है, नई इंप्लीमेंटेशन आ रही है, वो स्टेट बैंक जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है उसको ज़रूर फॉलो करें ऑन ट्विटर। SEC पाकिस्तान के नाम से आप इनका ट्विटर हैंडल देख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड ट्रिब्यून बिजनेस को फॉलो करें, ये भी इसी तरीके से PSX रिलेटेड और मार्केट रिलेटेड सारी न्यूज़ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून है जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन सबको मैं फॉलो करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ फॉलो बटन है, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, इनकी जितनी भी न्यूज़ आती हैं डेली बेसिस पर आप देख सकते हैं, ये खोलें, देखें, पढ़ें, समझें, और उसका इम्पैक्ट जो होता है वो मार्केट के ऊपर आता है। रिलेटिव कोई भी कंपनी की न्यूज़ है तो कंपनी के ऊपर अफेक्ट आएगा, तो ये सारी चीज़ें
फॉलो करना चाहिए ट्विटर पे। अगर हम ट्विटर का इस्तेमाल बाकी सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम बाकी वेरियस चीज़ों के लिए करते हैं, तो बीइंग एन इन्वेस्टर मैं अपने ट्विटर हैंडल में इन तमाम लोगों को फॉलो करता हूँ ताकि मैं डेली बेसिस पे मार्केट के हवाले से अपडेट रह सकूँ। वन ऑफ दी मोस्ट इन डिमांड एंकर ऑफ पाकिस्तान कामरान खान, इनको भी ज़रूर फॉलो करें बिकॉज ये भी डिस्कशन एक एनालिस्ट हैं, बहुत पुराने एनालिस्ट हैं, बड़े एनालिस्ट हैं, और जो है ये अपने एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो इनकी भी बात सुनना बात सुने और देखें कि क्या डिस्कशन करें गोइंग फॉरवर्ड, क्या मेन पॉइंट्स रेज करते हैं गवर्नमेंट के लिए। नाउ कमिंग टू द ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ हैं, असद उमर इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। गोइंग फॉरवर्ड आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपने ट्विटर फैमिली के साथ कनेक्ट रहते हैं, सारे हिसाब किताब कर रहे होते हैं, और नाउ जो है इनकी मेजॉरिटी जो वर्किंग है वो हमें नज़र आती है, और असद उमर को फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं अमाद अज़र जो मिनिस्ट्री मिनिस्टर हैं एनर्जी के, इनको भी फॉलो करें गोइंग फॉरवर्ड ऑन ट्विटर, बिकॉज ये हमारे पीटीआई गवर्नमेंट के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करें ट्विटर, ताकि डेली बेसिस पे उनके जो जिस जो जो डिपार्टमेंट उनको दिया हुआ है उस डिपार्टमेंट से कोई भी न्यूज़ आती है तो आपको ऑन हैंड मिलनी चाहिए। लास्ट एक बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं, आजकल बहुत ज़्यादा पैशन अपने शो करते हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये आजकल इन है मार्केट में, और एंड इज़ अ नाइस गाय, ही शेयर्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक बात करते हैं, रियलिस्टिक बात करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए जिस तरह मैं भी रखता हूँ बीइंग एन इन्वेस्टर बीइंग एन एनालिस्ट, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक एक ओपन माइंडेड डिस्कशन होना चाहिए, विच आई थिंक ही डज, एंड आई एम अ ह्यूज फॉलोअर ऑफ हिम, एंड ऑब्वियसली इनको भी फॉलो करें ऑन ट्विटर। सो दीज वर द अकाउंट्स दैट आई हाईली रिकमेंड कि ट्विटर का हम सोशल मीडिया का अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, ये ट्विटर हैंडल्स हैं। आप कुछ नहीं करें, ट्विटर अकाउंट बनाएं, इन तमाम ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करें, और डेली बेसिस पे मार्केट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो जब भी ये ट्वीट करेंगे आपको फ़ौरन मिलेगी। कुछ नहीं करें, खोलें, लिंक्स खोलें, देखें, पढ़ें, समझें, और फिर जानें कि उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर कैसा रहेगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशन वीडियो थी, आपको बताना था, समझाना था कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा हाथ पांव मारने पड़ते हैं, लेकिन आप देखें कितने इजीली मैं इन सबको फॉलो करके डेली के हिसाब से जो भी मार्केट की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो खुद भी पढ़ता हूं और आपके साथ मॉर्निंग एनालिसिस में भी शेयर करता हूं, ताकि उस दिन जो भी एक्टिविटी होनी है मार्केट में वो आपको और मुझे हम सबको पता हो। सो डू फॉलो ऑल दीज अकाउंट्स, और सबसे पहले तो आपने मेरा अकाउंट फॉलो करना है, एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन में लो। अगर आपको वीडियो पसंद आई और चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं गोइंग फॉरवर्ड अलग अलग टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।